जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीबीए कोड स्ट्रक्चर पर। इन लास्ट क्लास वी क्रिएटेड अवर फर्स्ट मैक्रो बाय रिकॉर्डिंग द एक्शन, बट इन दिस क्लास वी क्रिएट द मैक्रो बाय राइटिंग द कोड मैनुअली इन वीबीई विजुअल बेसिक एडिटर। बट बिफोर स्टार्टिंग द कोड राइटिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द वीबीए कोड स्ट्रक्चर फर्स्ट। ओके, पिछले क्लास में हमने मैक्रो क्रिएट किया था बाय रिकॉर्डिंग अवर एक्शन, लेकिन इस क्लास में हम मैक्रो क्रिएट करेंगे बाय राइटिंग कोड मैनुअली इन वीबीई विजुअल बेसिक एडिटर में। बट कोड लिखने से पहले वीबीए कोड स्ट्रक्चर को समझ लेना जरूरी है। ओके, तो पहले समझ लेते हैं कि वीबीए कोड स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हेन यू राइट वीबीए कोड, इट टिपिकली फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ मॉड्यूल, प्रोसीजर एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स और कंटेनर फॉर वीबीए कोड, जो आपका वीबीए कोड होता है, मॉड्यूल जो है उसके कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर का मतलब होता है जैसे कोई सामान वामान जिसमें रखते हैं तो वैसे ही काम करता है। ठीक है, इस मॉड्यूल में क्या होगा, आपके वीबीए कोड होगा। ओके, और मॉड्यूल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के मॉड्यूल होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, और दूसरा होता है क्लास मॉड्यूल्स, जिसका हम यूज़ करते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, क्लास मॉड्यूल्स की तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स की, वो भी प्रोसीजर्स की। ठीक है, फंक्शन की बात हम करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर आर ब्लॉक ऑफ कोड विद इन मॉड्यूल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, उसके लिए आप कोड लिखोगे, किसके अंदर लिखोगे, मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि प्रोसीजर क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है मॉड्यूल में, ठीक है, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और प्रोसीजर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है सब रूटीन्स, ठीक है, शॉर्ट में सब, और दूसरा होता है फंक्शन, उसको लिखते हैं फंक्शन। ओके, सब रूटीन क्या होता है, परफॉर्म एक्शन बट डू नॉट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, सब रूटीन में क्या होता है, सब रूटीन के तरह का कोड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो ये जो रिटर्न टाइप होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप एक होता है रिटर्न टाइप, ठीक है, वो इसमें नहीं होता है, लेकिन फंक्शंस में एक रिटर्न टाइप होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लोगे कोड, देखा ना, सब सो मैसेज, मैसेज बॉक्स, हेलो वर्ड, ठीक है, हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फंक्शंस के साथ ऐसा नहीं है। फंक्शन में क्या होता है, जनरली फंक्शन की जनरली जो हम फंक्शन का यूज़ करते हैं वो करते हैं, जैसे कि हमें कोई डेटा मैनिपुलेशन करना होता है, जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप के साथ वर्क करना हो या स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, डेटा टाइप पर हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज पर। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा अभी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझने में, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको क्या है, डेटा जो जितना भी डेटा मैंने नोट डाउन कर रखा है, ये सबको आपको एक बार रीड कर लेना, ठीक है, या फिर नोट कर लेना है वीडियो पॉज करके, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रोसीजर्स पे। ठीक है, प्रोसीजर्स क्या है, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक ऑफ कोड है विद इन मॉड्यूल्स। ओके, तो आज का जो टास्क है, टास्क देते हैं, टास्क ये है कि जो पेज का जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है, जैसे कि ये पेज है, ठीक है, जब भी आप कोई एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो उसका एक डिफॉल्ट मार्जिन होता है। ठीक है, हम डिफॉल्ट मार्जिन को आज चेंज करेंगे बाय क्रिएटिंग अ प्रोसीजर। ठीक है, हम एक प्रोसीजर बनाएंगे, सब रूटीन प्रोसीजर, ठीक है, उसके थ्रू क्या करेंगे, हम डिफॉल्ट मार्जिन को चेंज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ओके, लेआउट में जाओगे, देखो पेज का मार्जिन है ना, यहाँ दिखा रहा है ना, पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मार्जिन पे क्लिक करोगे दिखा रहा है नॉर्मल, इस समय मार्जिन क्या सेट है, नॉर्मल सेट है। ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे बाय क्रिएटिंग मैक्रो, बट हम क्या करेंगे, इस बार एक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, हम करेंगे बाय राइटिंग कोड। तो उसके क्या करना होगा, डेवलपर टीम में जाना है आपको, विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। ओके, विजुअल बेसिक पर जाना है, आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ लिखा हुआ दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल होता है, सेकेंड होता है यह प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट टू, जैसे कि मेरा क्या नाम है फाइल का, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट टू। ठीक है, तो वही नाम जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, इंसर्ट पे जाना है, मॉड्यूल पे क्लिक करना है, एक मॉड्यूल ऐसे क्रिएट हो जाएगा, मॉड्यूल वन, राइट क्लिक करना है, व्यू कोड पे आना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट राइटिंग द कोड। ओके, एस यू बी सब देन प्रोसीजर नेम, ठीक है, प्रोसीजर का आपको नाम देना है, जैसे मैं देता हूँ अपडेट द पेज मार्जिन, एम ए आर जी आई एन। ठीक है, नाउ जैसे आप इंटर हिट करोगे तो उसका जो एंड टैग भी आ जाएगा, ठीक है, एंड सब। नाउ जस्ट टाइप
विद आपको टाइप करना है ACT एक्टिव, ठीक है, एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पेज सेटअप, ओके, डॉट टॉप टॉप मार्जिन इक्वल टू 36 डॉट, ठीक है, बॉटम मार्जिन इक्वल टू 36 डॉट, लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू 36 करना है आपको। नेक्स्ट इज, ठीक है, राइट मार्जिन इक्वल टू 36, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक इंच बराबर होता है 72 पॉइंट्स के, ठीक है, एक इंच बराबर होता है 72 पॉइंट, ठीक है। तो जो पेज मार्जिन है जो सेट है 1 इंच, मैं उसको हाफ करना हो 0.5 कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाफ कितना होगा, 72 का हाफ कितना होता है 36, ठीक है। मैंने इस कोड में क्या लिखा है, मैं सबसे पहले तो मैंने प्रोसीजर का नाम लिखा है अपडेट द पेज मार्जिन, उसके बाद ये विद जो है ये कीवर्ड होता है, एंड देन आई यूज द एक्टिव डॉक्यूमेंट पेज सेटअप, ठीक है। दीज आर द प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहले से प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मैंने इसका यूज़ किया है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, जस्ट टाइप द कोड एंड एग्जीक्यूट द मैक्रो, ओके। नाउ एंड, एंड कर दो, ENDE एंड विथ, ठीक है, इस विथ को जो है एंड कर दो, ऑलराइट। आपको क्या करना है, एक मैसेज टाइप कर दो, एक मैसेज टाइप कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि पेज मार्जिन जो है चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे मैक्रो को रन करेंगे, जब पेज मार्जिन चेंज हो जाएगा तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा कि हाँ पेज मार्जिन चेंज हो गया, ओके। जस्ट टाइप द मैसेज MSG कंट्रोल स्पेस, ठीक है, जैसे आप कंट्रोल स्पेस करोगे एवरीथिंग विल बी ओपन्ड, मतलब जो इंटेलिजेंस है वो काम हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या होता है, जो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, वो जो है हाईलाइट हो जाएंगे। आपको प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस मैसेज बॉक्स देन डबल कोट्स, ठीक है, टाइप योर मैसेज डिफॉल्ट पेज मार्जिन एस CHA एंड चेंज्ड, ठीक है, क्या हो गया, चेंज हो गया है, ओके। यहाँ पे देखो VB इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन का सिंबल बन के आ जाएगा मैसेज बॉक्स में, ओके, ये हो गया। अब ओके क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव करना है, सेव डॉक्यूमेंट टू, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ से लोकेशन चेक कर लो, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट टू है, ठीक है, जो सेव एज टाइप है इसमें आपको सेलेक्ट करना है वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, ओके, अपडेट MAR अपडेट मार्जिन, ठीक है, अपडेट डिफॉल्ट मार्जिन, ओके, सेव इट, सेव हो गया, ठीक है, इसको भी क्लोज कर दो। ऐसे ही आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा, ऐसे एक्सक्लेमेशन का साइन बन के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये लिखा हुआ है कि अपडेट डिफॉल्ट मार्जिन टाइप लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, ओके। नॉट डबल क्लिक इट, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आएगा, इसको आप इनेबल कर देना। नाउ डेवलपर टैब पे जाना है आपको, मैक्रो पे क्लिक करना है, ये आपका मैक्रो आ जाएगा, ठीक है, आप इसको रन करना है। जैसे आप रन करोगे ऐसा मैसेज आ जाएगा, डिफॉल्ट पेज मार्जिन हैज़ चेंज्ड, ठीक है, आप यहाँ से चेक कर लो मार्जिन चेंज हुआ कि नहीं है। लेआउट टैब में जाओ, ठीक है, पेज मार्जिन पे जाओ, देखो पहले था 1 इंच, अब हो गया हाफ। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, पेज डायलॉग बॉक्स जो है इसको, पेज सेटअप बॉक्स जो है इसको ओपन कर लो, टॉप 0.5 सब चेंज हो गया, ओके, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सब चेंज हो गया, जो मार्जिन जो है चेंज हो गया है, ओके। नाउ ओपन अगेन, ओके, द लेआउट इज मार्जिन इज सेट, मार्जिन सेट नॉर्मल, गो टू द डेवलपर टैब, ओके, मैक्रोस, रन योर मैक्रो, ओके,
द मार्जिन हैज चेंज्ड, मार्जिन आपका जो है चेंज हो गया है। ओके जैसे यहाँ पर डिजायर लेआउट टाइम में आओ, मार्जिन पे आओ, इसको नॉर्मल कर लो, देन डेवलपर टाइम में जाओ, ठीक है, मैक्रोज में जाओ, अपडेट में रन अगेन, ठीक है, ये आपका जो है फिर से क्या हो जाएगा, मार्जिन जो है नैरो हो जाएगा, ठीक है, 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप मैक्रो क्रिएट कर सकते हो और अपने पेज मार्जिन को जो है सेट कर सकते हो, सेट, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे एफर्ट के लिए, ठीक है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।